व्हाट आउट? अबे काय का आउट है नाजी, पर क्रिस से बाहर खेल लिया, पिच तो देख ले कहाँ है। क्रिस से बाहर खड़ा था नाजी में में तो कैसे हो मियांपुर वासियों, मियांपुर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है मेरा हर एक वीडियो आप सभी को बस हंसाने के लिए होता है, तो बिल्कुल सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बताना मत भूलना। तो हेडफोन लगा लो एंड बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को शुरू करते हैं। मैं किचन टीम में थी, दूध की राशनिंग होती है, जो अभी भी बोल रहे हैं कि दूध की राशनिंग होती है। जैसे अंडों के लिए सब लड़ते थे कि मेरे दो मेरे दो मेरे दो, अरे जेल में रहने के लिए आप उम्र बढ़ा रहे हो सर। सर वो जेल में रहना देश के लिए था और मुझे लगता है कि देश के लिए जेल में जाना तो एक मैं भी गया था लेकिन देश के लिए नहीं। क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस, हर किसी को यही सवाल पूछना है क्यों बनना है आईएएस। अरे पता है जब घर में बताया कि हम आईएएस बनना चाहते हैं तो घर में सब कितना खुश हुए थे। पहली बार हमको इज्जत मिला, गांव का प्रधान बाप के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। 40 लाख दहेज मिल रहा अभी से, 40 लाख मिल रहा है दहेज अभी से, क्योंकि सिर्फ यही बोले कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आईएएस बन गए तो कितना दहेज मिलेगा और कितनी इज्जत मिलेगी। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई साहब, हम लोग को पावर सिर्फ दो चीजों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वायग्रा खाके। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धरना किस बात का? क्यों भी आ रही है ठोक के आ रही है, कुछ दिनों बाद कोठे पे मिलेंगे हम। क्यों भाई, क्या मांगे हैं तुम्हारी? देखो जी हमारी सिंपल सी सीधी सी मांगे हैं, एक तो ये पॉन्ड्री बड़ी करो, बिल्कुल, और दूसरा एक ओवर में अगर कोई बैट्समैन 3 छक्के मारता लगातार तो उसे आउट दो। क्यों भाई? ना जी आउट से काम नहीं चलेगा, इन्हें बैन करो। ना जी बैन से भी काम नहीं चलेगा, इन्हें डायरेक्ट फांसी दो। ज्यादा पिटा था क्या? सुबह से इसलिए तो बैठा हूँ धरने पे। रात के 12:42 कोस्ट गार्ड के कमांडर कैप्टन ग्रेगोरियो दे फाल्को कैप्टन शेटिनो को कॉल लगाते हैं और इस कॉल की एक्चुअल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, सुनिए। हेलो भाई कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? जो हमको फिर जो हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर उसको हरा दूंगा। हेलो इसे भी प्रद्युमन है? अगर इन्हें वाले कुछ आज पार्टी में रीत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी या मैं? तुम। और इसका वो पिंक लहंगा कैसा लग रहा था? पिंक लहंगा? रीत थोड़ी ना पहनी थी पिंक लहंगा, स्वीटी पहनी थी पिंक लहंगा। रीत तो रेड लहंगा पहनी थी विद ब्लैक चोली, थोड़ा डीप था लेकिन अच्छा लगा। और मैंने किस कलर का लहंगा पहना है? तुम्हारा तो रात को देख लेंगे ना उतारते हुए। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिया। This is the return of the OG. Yeah. Yes. 20th season है, milestone season है। नेहा को public demand की वजह से बुलाया गया, लोगों ने बोला get the OG boss lady back. Yeah, it's her choice. मैं आज बनूंगी Chinese. Chinese बनके लोगों से मांगूंगी help. I need money. Money. Money क्या होता है? पैसा. पैसा, पैसा. मेरे को अपने country जाना है. और जो कमरे में तुम भले ही जाओ. नहीं यही चाहिए मेरे को. जितना ज्यादा छोरा रे दहेज मिलता हूँ उतने ज्यादा माल डैमेज मिलता हूँ। ये पूप क्यों लगा रहे हैं आप बताएं? क्योंकि हर लड़की पे मुंह मारता है। ये कैसा इल्जाम लगा दिया निजी? बहन वो शादीशुदा है। कौन है शादीशुदा? चार्ली। चार्ली शादीशुदा है? अच्छा चार्ली शादीशुदा है। तो क्या हो गया ये भी तो मार। Let me introduce everybody here. I mean, who doesn't know Poonam ji? Everybody has 4G. Thank you so much for coming here. Thank you for inviting. And आज भी यहाँ आने के लिए। I hope you don't mind. No. Let's go. You're pretty cool, यार. क्या सोच के आया आप लेटेड में? मतलब, you know, खुद की actually अगर मरवानी हो। उसके लिए तो only fans रखा है आपने? मेरे पे मतलब only fans तक क्यों पहुंच गए थे हम? नहीं है क्या आपका? मर 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 क्यों? भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ गया भाई? ओए। सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा।
मग्गा जी, आपने कहा था बिग बॉस का अगला सीजन गोवा के बीच पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो राशन बंटवाएंगे या रशियन बंटवाएंगे? हाँ, तभी बोलते KTM गलत हाथों में मत पकड़ाओ। तुम लोग बोलते हो कि KTM छपरी है, भाई उसको तुम ZX10R पकड़ा दो, तब भी छपरी हरकतें करेगा। बात तो सही है। इन जैसे ही बड़े होके KTM चलाते हो। बच्चा तेरी। छोटू छोटू छोटू, सबसे अच्छी बाइक कौन सी लगती है? आप पता क्यों? ये कैसी मम्मी है? मेरी मम्मी तो ऐसी नहीं है। नहीं सर, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मेरी मम्मी की वजह से ही सर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। उसमें डैडी का भी थोड़ा सा योगदान है। दिखाओ कैसे ट्रेन किया तुमने इसको। वो क्या है, जल्दी आ गए ना आप। चलो बोलो। हेलो भाई, कौन हमको खिलेगा फिर फायर? कैटरीना ने आपको क्यों चूज किया? मुझे लगता है क्योंकि मैं ड्राइविंग अच्छी करता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, और मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। मतलब ऐसे GTA की तरह जो भी मेरे सामने आए उसे नहीं उड़ा देता। शकील जी उड़ते हैं, शकील जी ही उड़ते हैं, अपना पेपर डालते हैं, दूध बेचते हैं, फिर आके सो जाते हैं। क्यों शकील जी? दूध कहाँ से बेचूं, मेरी भैंस तो भागी हुई है। दो दिन पहले रात को 4 बजे मेरी एक पुरानी दोस्त की कॉल आ गई, मुझे करी बरकत, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैंने बोला क्या हुआ करी, बस क्या बता। अरे मैंने कहा बताओ तो सही, करी खीरा टूट गया। दोस्तों, 4-5 दिन हो गया हमको देने ही नहीं। तो रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बहुत सही सवाल पूछा है, एक जियोपॉलिटिकल सवाल भी है ये कि रशिया यूक्रेन को मुद्दे को हम बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। इसमें इकोनॉमी खराब हो रही है, हमें ज्यादा पैसे खर्च होंगे अगर इसमें यूक्रेन जीत गया तो। कैसा कैसा? अगर यूक्रेन जीत गया तो रशिया का पार्ट जो है वो भी यूक्रेन में आ जाएगा, फिर रशियन लड़कियां जो है यूक्रेनियन बन जाएंगी, फिर रशियन लड़कियां की कमी हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा उनका। एक युवा जो 15,000 घर से मंगाता है, कहां से रशियन एंजॉय करेगा? आज से इस घर में सबका झूठ बोलना बंद, क्योंकि अब मैं ये लेकर आया हूँ झूठ पकड़ने वाली मशीन। बेटा कहाँ से आ रहा है? पापा। रुक, इसे पकड़। अब बता कहाँ से आ रहा है? पापा आज एक्स्ट्रा क्लास थी। क्यों, पकड़ गया तेरा झूठ? सच बता कहाँ से आ रहा है? पापा फिल्म देखने गया था। कौन सी फिल्म देखने गया था? वाग्बा। झूठ बोल रहा है, सच बता। पापा आशिकी 2। बहुत बदतमीज हो गया है, जब हम तेरी उम्र में थे ना तो धार्मिक फिल्में देखते थे। बस करिए, पकड़े गए ना आप भी, झूठ तो बोलेगा ही, आखिर बेटा भी तो आपका है। गाइज, वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो में कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा है कमेंट में जरूर से बताओ। और गाइज, इसके बाद एक बोनस भी है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। आज मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, और शायद मैं बच्चा था, और जिस तरह मैं खेतों में भैंस चराता था, आज भारती दी को देखकर मुझे आंसू गिरने लगे। इन्होंने मेरी बचपन की यादें ताजा कर दी, आपको देखा तो मेरी अपनी भैंस याद आ गई।